नवरात्र स्पेशल सीरीज़ में हम आपके साथ कुट्टू के पनीर के पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और इस पनीर को हमने मूंगफली से बनाया है। पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं 2 कप कुट्टू का आटा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। पकौड़ों को बनाने के लिए हमने 1/2 किलो मूंगफली से बना पनीर लिया है, जिसकी रेसिपी हमने आपके साथ पहले शेयर करी है। एक बड़े बर्तन में सबसे पहले हम कुट्टू का आटा, नमक, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और धनिया डाल लेंगे। इन सब चीज़ों को थोड़े से पानी में घोल लेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डाल रहे ताकि इस आटे में गांठे ना बन जाएं। हमें इस आटे की कंसिस्टेंसी ना ही बहुत पतली चाहिए और ना ही बहुत मोटी। ये आटा इतना मोटा हो ताकि जब हम इसमें पनीर डालें तो आटा उस पर चिपक जाए। एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे जिसे हम तेज सेक पर गर्म कर लेंगे। अब एक एक करके पनीर के टुकड़े को हम कुट्टू के आटे के बनाए घोल में डालेंगे और हल्के हाथ से तेल में छोड़ते जाएंगे। इन पकौड़ों को हम मीडियम टू हाई सेक पर तलेंगे। जब पकौड़े अच्छी तरह से तल जाएं, तो उसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। ये गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इनका स्वाद दुगना करने के लिए आप इसे मीठी चटनी के साथ सर्व करें।